साथियों नमस्कार। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती यानी ड्राइंग टीचर भर्ती के आज के इस सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं एक खास और अहम बात। साथियों क्यों हुआ केस डिसमिस, क्या था ऐसा इस केस के अंदर, CWP नंबर 7682 नाम से जो केस था ऐसा क्या था इसके अंदर कि ये केस टिक नहीं पाया, इसे माननीय कोर्ट ने किया डिसमिस, और क्या साथियों इस भर्ती के रिजल्ट पर इसका असर पड़ने वाला है जो किसी ने नहीं बताया, अब हम आपको बताने वाले हैं, सुनाने वाले हैं। साथियों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, आपको इस केस के बारे में भी पता चल जाएगा क्या था केस, क्यों लगा था, क्यों किया डिसमिस, ऐसा क्या था इसके अंदर कि माननीय कोर्ट ने इसे जगह नहीं दी और इसको डिसमिस कर दिया। साथियों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन इत्मीनान के साथ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के साथ साथ यदि साथियों अपडेट आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलना, क्योंकि हम आपके लिए एक से एक बढ़कर अपडेट लेकर आते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और आपके लिए समय निकाल कर अपना फर्ज निभाते हैं, तो आपका भी फर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों लीजिए वो केस जिसको किया है माननीय कोर्ट ने डिसमिस, और ऐसा क्या था इस केस के अंदर कि माननीय कोर्ट के द्वारा किया गया ये केस डिसमिस। तो बिना देर लगाए लीजिए वो केस, ये है आपका। तो साथियों ये माननीय हाई कोर्ट की साइड से लिया गया वो ऑर्डर है जिसके अंदर इस केस को डिसमिस किया गया है, और ये केस है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का वीरेंद्र सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, जो कि साथियों पिटिशनर वीरेंद्र सिंह है। क्यों ऐसा किया कि ये डिसमिस हुआ केस, इतने लंबे समय तक कोर्ट में समय इतने दिन लगाया और लास्ट में ये केस डिसमिस हुआ। साथियों इसके जज साहिबान थे मिस्टर जस्टिस GS संधवालिया, और इसके वकील साहिबान थे पिटिशनर की तरफ से मिस्टर विक्रम सिंह एडवोकेट फॉर द पिटिशनर और मिस्टर हरीश कुमार NNAAG हरियाणा। और जो ये प्रोसीडिंग हुई थी, कार्रवाई हुई थी साथियों, सुनवाई हुई थी, ये हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और इसके अंदर आपको दिखाया हुआ भी है कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी ये साथियों आपकी कार्रवाई। GS संधवालिया उन्होंने इसमें दिया गया है इन द प्रेजेंट रिट पेटिशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226/227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पेटिशनर सिक्स कंसीडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट फॉर द आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006 फॉर विच दे हैव बीन हेल्ड इनएलिजिबल। तो साथ ही उन्होंने फाइल किया था केस आर्टिकल 226/227 के, उसमें पेटिशनर ने अपना केस फाइल किया था आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती के अंदर, जो कि 6/2006 एडवर्टाइजमेंट नंबर के तहत आई थी। और इसमें साथियों द इनएलिजिबिलिटी ऑफ द पेटिशनर हैव बीन गिवन एज पर द फॉलोइंग कॉलम बाय कोरेस्पोंडेंट। तो उन्होंने इसमें दिखाया गया है कि क्यों उनकी जो ये साथियों जो उनकी केस था वो क्यों डिसमिस हुआ। डिप्लोमा हैड बीन क्लियर्ड आफ्टर द कट ऑफ डेट, तो उनका जो डिप्लोमा हुआ था वो कट ऑफ डेट के बाद हुआ था, जो कि कट ऑफ डेट थी 21 अगस्त 2006, और ये नाम है विद नेम है नेम ऑफ पिटिशनर वीरेंद्र सिंह। साथियों ये वीरेंद्र सिंह की तरफ से ये फाइल किया गया था केस, इसीलिए वीरेंद्र सिंह की तरफ से फाइल किए गए केस में इसी को मेन साथियों पिटिशनर माना गया, और इनका रोल नंबर था 26/6082 54, और इन्होंने जो डिप्लोमा किया था वो 30/11/2006, और साथियों जो कट ऑफ डेट थी वो 21/2006 थी, और इसी को मद्देनज़र करके ये केस साथियों डिसमिस किया गया। ये वीरेंद्र सिंह के साथ में आगे विकास सिंह भी इन्हीं के केस के अंदर भागीदार थे, इन्होंने भी केस एक पार्टी के रूप में, वीरेंद्र सिंह एंड अदर्स की ये पार्टी थी, तो इन्होंने विकास भी इसके अंदर शामिल था। इसने भी 30 नवंबर 2006 को ही साथियों डेट ऑफ एक्वायरिंग डिप्लोमा एक्वायर 31 नवंबर 2006 को किया गया था, रोल नंबर 1144 था, और इसी के अंदर साथियों उषा तेवतिया भी इसी कैटेगरी में थी, ये भी केस करने वालों में थे, जिसका रोल नंबर था
26.698909। तो इन्होंने भी डिप्लोमा एक्वायरिंग की डेट 30/11/2006 थी, जो कि कट ऑफ डेट थी 21/8/2006। और ये बलजीत सिंह भी इन्हीं के साथ थे, जिनका रोल नंबर 26.610204। और इन्होंने भी डिप्लोमा 30/11/2006 को एक्वायर किया था, और साथियों जो कि कट ऑफ डेट वही आपको पता है 21/8/2006 थी। विनोद भी इन्हीं में पार्टनर था, विनोद भी इन्हीं का साथी था जो केस किए करने वाले थे। 26.6/49/36 जिसका रोल नंबर था। डेट नोट मेंशनड ऑन द डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो साथियों इस साथी की डेट मेंशन नहीं की गई है उस डिप्लोमे के अंदर जो डिप्लोमा दिखाया गया था, तो डिप्लोमे के अंदर इसकी डेट नहीं है, तो ये आपके सामने दिखाई भी देता। जो ये विनोद है, विनोद का रोल नंबर ये है और इसकी डेट साथियों मेंशन नहीं की गई है। और इस प्रकार इस केस को डिसमिस किया गया और आगे लिखा गया है कि ये केस क्यों डिसमिस हुआ। तो साथियों ये है कीपिंग इन व्यू द स्करेंसिटी ऑफ द कट ऑफ डेट एंड इन फैक्ट दैट द पिटिशनर वर नॉट एलिजिबल ऑन द सेड डेट। कहते हैं कि उस डेट तक एलिजिबल नहीं थे ये साथी। देयर वुड बी नो रीजन फॉर दिस कोर्ट टू इंटरफेयर वंस द पिटिशनर एलिजिबिलिटी वॉज इट सेल्फ नॉट अवेलेबल एंड नॉट एज पर टर्म्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो साथियों ये एलिजिबल नहीं थे उस समय तक। रिजल्टेंटली देर इज नो मेरिट इन द प्रेजेंट रिट पिटिशनर एंड द सेम इज डिसमिस्ड। तो साथियों ये डिसमिस किया गया और ये आपके सामने दिखाई दिया आपको। रिजल्ट क्या निकला इस केस का, देर इज नो मेरिट इन द प्रेजेंट रिट पिटिशन एंड द केस डिसमिस्ड। तो इस केस को डिसमिस किया गया और ये केस चला अपनी उसी राह पर जिस राह से आया था। लेकिन साथियों इतने लंबे समय तक कोर्ट के अंदर चला और लास्ट में ये केस नहीं हो पाया खड़ा और ये हुआ डिसमिस। और अब हुआ रास्ता साफ इस भर्ती के होने का, तो एक के बाद एक केस जाते हुए अपनी वापसी में और निकलता हुआ रास्ता इस भर्ती का। तो साथियों ये भी आज की एक बड़ी और अहम और ख़ास अपडेट थी उन ड्राइंग टीचर भर्ती से संबंधित सभी साथियों की जिन्होंने मेहनत की है, और उन मेहनत करने वाले के भला चाहने वालों के लिए और उनके रिलेटिव्स और उनके सगे संबंधियों और पारिवारिक सदस्यों के लिए। क्योंकि साथियों ये भर्ती इतने लंबे समय से लटक रही है, जूझ रही है, लेकिन ये केस अब निपटने लगे हैं, निखरने लगा है मामला और आने वाला है रिजल्ट अब जल्दी ही, हमें उम्मीद है। और साथियों जिन्होंने मेहनत की है उनका फल जरूर मिलेगा और हम आपके लिए इसी तरह अपडेट लेकर आते रहेंगे जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। तो साथियों हम चाहते हैं आपकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो और आप सदा सदा के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इस पर हर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई छोटी से बड़ी छोटी और बड़ी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। साथियों आज की इस ड्राइंग टीचर भर्ती से संबंधित इस बड़ी अपडेट में इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, राम राम।